27 नंबर और 27 नंबर भैया हमारी पानी इस तरह देते हैं भाई, रेड बुल का फायदा चेक करें। उनसे आराम से बैठ के जाएंगे इसके अंदर। फाइनली हम पहुंच गए अंताली, अंकल इंतजार में। हाँ भाई, मैं हूँ शादाब हुसैन सिद्दीकी और आज मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल। इस्तांबुल की ये जो जगह है इधर, इसका नाम है ओतोगोर। ओतोगोर पे मौजूद होने की वजह ये है कि आज हम जा रहे हैं कहाँ पे? अंतालिया। हम जा रहे हैं अंतालिया। अच्छा, इस्तांबुल से लोग अंतालिया जो जाते हैं वो लोग जाते हैं बाई एयर। अच्छा, बाई एयर का जो टिकट है वो इस वक्त चल रहा है तकरीबन कोई पाकिस्तानी 40,000 रुपये का। वो इसलिए, वैसे तो सस्ता है 15,000 रुपये का, लेकिन मेरे साथ जो लगेज है इसकी वजह से जो है वो महंगा पड़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर मेरे ख्याल 20 kg से अंदर हैंड कैरी के साथ अलाउ, तो मेरे पास तो 30 kg से ज़्यादा हो रहा है, तो वो पड़ रहा था बहुत एक्सपेंसिव। तो मैंने पता करा, सर्च करा, तो उसमें ये पता करा कि ये जो ओतोगोर है, ये दिखाइएगा चारों तरफ, दिखाइए ठीक है। सारे चारों तरफ एजेंट्स बैठे हैं। आप इन एजेंट्स के पास जाएंगे, इन एजेंट्स से आप जाके बोलेंगे हमें अंतालिया जाना है, तो ये इसका आपको टिकट्स बताएंगे। अच्छा, टिकट का सीन ये है कि सबके अलग अलग रेट्स हैं। यहाँ पे टाइमिंग है, सुबह आठ बजे भी बस जाती है, 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, हर 2 घंटे के बाद यहाँ से बस निकलती है। बस के प्राइस का सीन ये, आप जिसके पास जाएंगे उसके सबके अलग अलग रेट्स हैं। हम जब पहले गए, किसी ने बोला 700, यानी यहाँ के लीला 700 लीरा, कोई कह रहा था 600, कोई कह रहा है 800, कोई कह रहा है 1,000, कोई कह रहा है 500, सबके मुख्तलिफ हैं। तो हमने जाके सर्च करा, जब तो आपको पता है, मैं तो आपको दिखाने के लिए चीज़ों को टटोल रहा हूँ। जब मैंने चीज़ों को टटोला तो ढूंढने के बाद मुझे जाके ये मिला, ये देखें 450 रुपये का, देख रहे हैं 450 लीला शादाब हुसैन, ये मेरे नाम से 450 का मिला। तो अगर आप लोग भी आएँ सफ़र करें तो ये देखें सिर्फ 450 रुपये का है। यहाँ पे इस तरह नंबर्स होते हैं, हमारा था 27 नंबर और 27 नंबर पे ये हमारी खड़ी हुई बस। इस बस के अंदर हमारा सामान लोड होगा और हम इसमें बैठ के खैर से अंतालिया के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पे इसी तरह मुख्तलिफ बसें खड़ी हुई हैं, यहाँ पे सामान रखेंगे और फिर यहाँ से लेके निकलेंगे। ये पूरा रूट है, मतलब यहाँ सारी बसें ये मुख्तलिफ सिटी के अंदर जा रही हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे अभी तकरीबन 8 बज रहे हैं और अभी तक यहाँ पे मगरिब नहीं हुई, यहाँ मगरिब देर से होती है। तो हमने बैग रख दिया और ये हमारी बस है, तो आ जाएं, बस आपको बस दिखाते हैं कैसी है। लग्जरी बस है भाई, सुकून से आराम से बैठ के जाएंगे इसके अंदर। ये 3-4 सिटी से होती भी जाएगी, सारा सफ़र जैसा होगा वो दिखाएंगे आपको। देख रहे हैं LCDs वगैरह भी लगी हुई हैं इसमें। जब ये स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होने के बाद इसका कुछ और ही सीन होगा। हाँ भाई, खैर से हमारा सफ़र जारी है और ये मेरे ख्याल से कोई 4थी या 5वीं जगह रुकी है, तकरीबन 1 घंटे, कहीं पे 2-2 घंटे के बाद रुकी है, कहीं 1 घंटे के बाद रुकी है। तो बहुत ही अच्छा और बड़ा आरामदेह सफ़र है। अभी बस आधी भर गई है और आधी खाली है, बहुत अच्छा बड़ा सुकून का सफ़र चल रहा है भाई। सफ़र जारी है और ये कॉम्प्लीमेंट्री इसमें से ये चीज़ें मिलती हैं। बस ये अभी मेरे ख्याल स्टार्ट होगा, देना शुरू करेगा, तो मैं दिखाता हूँ इसमें से क्या क्या मिलता है। बाकी बस तकरीबन भर चुकी है और सफ़र जारी है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है दोनों तरफ, ये देखें, ये इनके यहाँ पोर्ट एरिया था। चाचा बेचैन हो रहे हैं, चाचा मिलेगा थोड़ी देर में, मिलेगा। अंकल इंतज़ार में। अच्छा भाई, आप बताएं आपको क्या क्या चाहिए, वो देंगे। केक के साथ आपको क्या, कौन सा जूस चाहिए वो बताएं। अच्छा, पानी इनका जो होता है वो पानी का सीन थोड़ा अलग है, जैसे हमारी तरफ बॉटल होती है, जहाज़ में भी बोतल नहीं मिली थी, इसका भी अलग सीन है पानी का। वैसे तो हमने अपनी सारी चीज़ें ली भी हैं हम तो यार, यू नो। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी खास बात है, ये रेड बुल है, लेकिन रेड बुल का साइज़ आप चेक करें, इतनी बड़ी रेड बुल पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती होगी। ये मतलब 3 साइज़ थे, ये सबसे बड़ा साइज़ है, एक्स्ट्रा लार्ज, बहुत बड़ा है, देख रहे हैं इतनी बड़ी रेड बुल है। हम तो खैर रेड बुल पीते हुए जाएंगे, लेकिन ये क्या दे रहे हैं चेक तो करना चाहिए ना। और ये हैवी कॉम्प्लीमेंट्री है। केक और ये क्या है, एप्पल, एप्पल। और ये इनका पानी है, ये देखें, ये पानी इस तरह देते हैं भाई, चेक करें, ये इनका पानी है, ना ये पैक होता है पानी की, यहाँ पे बॉटल्स नहीं होती और यहाँ पानी का बड़ा मसला है, पानी आपको खरीद के पीना। भाई खैर से सफ़र जारी है और रास्ते में बारिश हो रही थी, देखिए अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं बुरसा पे। ये बुरसा जो है, मतलब ये हमारी जो गाड़ी है ये 4 शहरों में रुक के जाएगी। जो पहला शहर है बुरसा, ये देखें, ये बुरसा, ये यहाँ पहुँच गई है बुरसा पे। और अब इसके बाद मतलब 3-4 जगहों से और जगह से होती भी जाएगी, तो बड़ा अच्छा सफ़र चल रहा है। और अभी टाइम हो गया 12:30, हम निकले थे 8:30 पे, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, यानी कि 4 घंटे हो गए। हर चीज़ हर टाइम पे मतलब फिक्स पे पहुँच रहे हैं जहाँ इनको पहुँचना है। बड़े ही मज़े का और बड़ा आरामदेह सफ़र है, आराम से सो के जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई, चल सीन है। और मौसम भी इतना कोई मज़े का हो रहा है कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, यहाँ बारिश हुई भी और इस वक्त यहाँ पर ठंड है। ये देखें लोग किस तरह जा रहे हैं,
फुल ठंड है, तो सफ़र चलता रहेगा जैसे जैसे वैसे वैसे आपको दिखाता रहूँगा। अभी हम पहुँच गए हैं बुरसा, और भाई अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुँच गए हैं अंतालिया। अब हमारे गाड़ियों से बैग निकलेंगे और हमारा सफ़र हुआ अख्तदाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 7 घंटे से तकरीबन कोई 12 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँच गए अंतालिया। अच्छा भाई सीन ये था कि ये तकरीबन कोई मेरे हिसाब से 8 से 10 जगह जो है ये रुकी है, जिसके अंदर 3 से 4 जगह 15-15 मिनट भी रुकी है। अगर आप लोग इसके अंदर सफ़र करेंगे तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टेशनों पर ये रुक रही थी वहाँ खाने पीने की चीज़ें भरपूर मिल रही थी, आप वहाँ से लेके कुछ खा सकते हैं। और 3-4 इनकी पुलिस की चेक पोस्ट की, जैसे हम सिटी जब चेंज हो रहा था तो वहाँ पे रोक के पुलिस वाले चेक कर रहे थे, यहाँ के जो लोग थे उनके NIC चेक कर रहे थे और हमारे पास जो पासपोर्ट था वो चेक कर रहे थे। तो मतलब लेकिन नॉर्मली जब आप सफ़र करें तो अपने साथ अपने NIC रखिएगा। बाकी सफ़र ये था कि थोड़ा सा मुशक्कत वाला है क्योंकि 12 घंटे हैं, लेकिन ये कि आप स्टिल बैठे रहते हैं, सोना चाहें तो हमने ईजीली सो के आ गए। मगर ये कि ये है 450 रुपये, अगर आप जहाज़ में जाएंगे तो वो है 40,000 रुपये। तो खैर से हम पहुँच गए अंतालिया और अब यहाँ करेंगे पार्टी। उसके लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।